लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का 2022 का रिजल्ट 23 मई को घोषित हो गया है। यूपीएससी में बाजी मारते हुए लगातार चौथे साल भी महिलाओं ने टॉपर की लिस्ट में अपना झंडा गाड़ा है। आपको बता दें कि इस साल यूपीएससी के टॉप 5 में 4 महिलाएं शामिल हैं और केवल एक पुरुष ने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनका नाम है मयूर हजारिका। मयूर हजारिका यूपीएससी के टॉपर में 5वें नंबर पर है और मयूर हजारिका ने पुरुषों में टॉप किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप करने के बावजूद भी मयूर आईएएस अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं। तो फिर मयूर हजारिका क्या बनना चाहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, साथ ही मयूर हजारिका के सफर से जुड़ी कुछ खास बातें भी शेयर करते हैं। साल 2022 के यूपीएससी परीक्षा में 933 कैंडिडेट सफल हुए हैं। टॉप 5 में 4 महिलाएं शामिल है। पहले नंबर पर इशिता किशोर रही है, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर उमा हाथी और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्र शामिल है, जबकि 5वां रैंक असम के मयूर हजारिका ने हासिल किया है। असम के तेजपुर के रहने वाले मयूर हजारिका शुरू से ही अपनी स्टडी में टॉपर रहे हैं और पेशे से एक डॉक्टर है। मयूर ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से की है और वे पेशे से एक डॉक्टर है। मयूर बताते हैं कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी स्मार्टली की थी, लेकिन इतने अच्छे रैंक आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वे रिजल्ट से काफी खुश है। उन्होंने अपनी तैयारी में प्रीलिम्स के लिए सेलेक्टेड नोट्स को तैयार किया और टॉपिक वाइज पढ़ाई की थी। मीडिया से बात करते हुए मयूर बताते हैं कि वे यूपीएससी परीक्षा के टॉपर में शामिल होकर बेहद खुश हैं, लेकिन वे आईएएस अफसर नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा है। इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे एलोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। मयूर हजारिका को उनकी कामयाबी के लिए असम के सीएम ने भी बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट किया है कि 5वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल करके आपने हम सभी को बहुत गौरवान्वित किया है। आपकी उपलब्धि शानदार है और हमारे युवाओं को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रेरणा देगी। वेल डन और मेरा आशीर्वाद। मयूर हजारिका की सफलता पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।